तमाम जिलों से ये सूचनाएं आ रही थी कि अपात्र लोगों के भी राशन कार्ड हैं। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि सभी गरीबों को राशन की सुविधा मिल सके, इसमें आप लोग आगे आएँ। बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं। 1 अप्रैल से लेकर 17 मई तक लगभग 46,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड सिलेंडर करने का काम किया है। वसूली एवं मुनादी का शासन स्तर से पूरी तरीके से रोक है, कहीं पर इस प्रकार की जो है सूचनाएँ नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जब राशन कार्ड की वापसी का मामला आया, उसमें कई राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि सरकार जो है राशन कार्ड वापस ले रही है। आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरीके के तथ्य? हमारे साथ सतीश शर्मा जी मौजूद हैं, जो मंत्री हैं खाद्य एवं रसद विभाग के। मंत्री जी, देख बहुत सी खबरें चल रही हैं और लगातार कहा जा रहा है कि राशन कार्ड उन लोगों के वापस लिए जा रहे हैं जिनको पहले दिए गए थे, मानक कई किए जा रहे हैं। क्या आखिर पूरा फैक्ट है क्या इसमें? उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में 15 करोड़ लोगों को वर्तमान में हम निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। 1 अप्रैल से लेकर 17 मई तक रिकॉर्ड 1,17,000 नए राशन कार्ड हमने जारी किया है। तमाम जिलों से ये सूचनाएं आ रही थी कि अपात्र लोगों के भी राशन कार्ड हैं। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि सभी गरीबों को राशन की सुविधा मिल सके, इसमें आप लोग आगे आएँ। बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं। 1 अप्रैल से लेकर 17 मई तक लगभग 46,000 लोगों ने अपने राशन कार्ड सिलेंडर करने का काम किया है। मंत्री जी, कई लोगों का मानना है कि जो DM के लेवल पे लेटर गए हैं कि वसूली अब की जाएगी और कार्ड जिसने जमा नहीं किया है उसके घर टीम जाएगी, फिर वसूली करेगी और उनसे जो जितना गेहूं उन्होंने लिया है चावल वो भी वापस लिया जाएगा, उसमें क्या तथ्य है? वसूली एवं मुनादी का शासन स्तर से पूरी तरीके से रोक है, कहीं पर इस प्रकार की जो है सूचनाएँ नहीं हैं। और जो वीडियो भ्रामक चल रहे हैं या जिस तरीके की बात सामने, कुछ लेटर भी DMs के आए हैं जिलों में और ये कह रहे हैं कि आपसे उतनी वसूली की जाएगी, आपके मानक पूरी नहीं हो रहे वरना आप जमा कर दीजिए कार्ड को, तो उसके लिए आप लोग क्या? जिनके पास 4 पहिया वाहन है, 5 एकड़ से अधिक सिंचित ज़मीन है या फिर ITR फाइल करते हैं, ऐसे लोगों से हमने आग्रह किया है कि आप सब लोग आगे आकर पात्रों को राशन कार्ड मिले और उनको उस सुविधा का हम लाभ दे सकें। आप आगे आएँ और गरीबों को राशन सुविधा का लाभ देने में आप मदद करें। यानी कोई वसूली नहीं, किसी प्रकार की वसूली मुनादी को पूरी तरीके से रोक है और हम ये भी दिखवाएंगे किस स्तर से ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और उन पर हम प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे। तो ये मंत्री जी से साफ तौर से मानना है कि किसी भी प्रकार के जो भ्रामक सूचनाएं चल रही हैं, यानी कि रिकवरी जो है नहीं की जाएगी गेहूं और चावल की, लोग जागरूकता के तहत अपना कार्ड वापस कर दें, इसके लिए लगातार लोगों को संदेश दिया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।